हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरशद फ्लाइंग। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के डायमेंशन पीडीएफ को एडोब रिटर्न में कैसे प्रिंट करते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस पीडीएफ को अपने पीसी के एडोब रिटर्न में ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद ये पीडीएफ आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। आपको सिंपली प्रिंट के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, आपको सिंपली नीचे देखना है। आपको सिंपली यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको पोस्टर साइज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पोस्टर साइज पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि इन पेजों की संख्या 9 हो गई है, जबकि ये एक पेज का प्रिंट पीडीएफ था। तो सिंपली हमें यहाँ से इसके स्केल को बढ़ाना होता है। तो मैं यहाँ पर स्केल कर देता हूँ 150%, और मैं जैसे ही पोस्टर पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर की संख्या 20 हो गई है, यानी इसका साइज बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने पीडीएफ के साइज को यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं, और सिंपली यहाँ पर प्रिंट के आइकन पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। आरसीएफ फाइलिंग से रिलेटेड ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और फटाफट वीडियो को लाइक करें।